वालेकुम अबली, क्या चला? कैसे आपकी तबीयत? से कैसे हो भाई साहब? जो मेरा ब्लॉगिंग वाला मोबाइल है ना, वो मतलब गया हुआ है कहीं पे, समझ रहे हो ना? तो यार काफ़ी लोग भाई मुझे यही मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, भाई आप नहीं मिले, ठीक है? अगर आप मिलते तो आपसे आप उनसे फ़ोटोज़ वगैरह लेते, ठीक है? अगर आप मिलते तो भाई उसे अपने कैमरे में लेते थे। यार मैं उनसे जस्ट मिलने के लिए गया था, ठीक है? मैं फेम नहीं लेने गया था, ठीक है? आपको एक बात बताऊँ तो यार, फोटोज़ वगैरह मेरा दिल था खींच लूँ, फिर यार बस टाइम मेरे पास शॉर्ट्स था, ठीक है? मैंने घर को भी निकलना था, और यार काफ़ी भाई मुझे यही मतलब वो हो रहा है। अब उनका व्लॉग आया, ठीक है, जिसमें नेस्टिंग बॉक्स मतलब ले गए थे, उस व्लॉग में मेरी दो चार झलक हैं, ठीक है? वो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ आगे वाली, ठीक है? उसमें भाई मैं आऊँगा और आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि भाई मैं इसमें था और आया भी था। ये देख लो यार, ये आ गया इनका नेस्टिंग बॉक्स, ठीक है? इसके व्लॉग के अंदर ही मैं था, जब मैं वहाँ बैठा हुआ था ना, ठीक है? ये नेस्टिंग बॉक्स तब ही आया था, ठीक है? जो कि तुराब भाई साथ गए थे लेने के लिए, ठीक है? अभी मैं आपको दो चार झलक दिखा देता हूँ, और बस यहाँ पे आप गौर करना, ठीक है? मैं वीडियो को स्लो मो कर रहा हूँ। तो देख लिया भाई, हो गया यकीन? यार काफ़ी लोग भाई मानते ही नहीं है। मैं यार आपको एक सच बात बताऊं, मैं यार जल्दी हर किसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ फुल ही, ठीक है? अब मैंने फुल एक्सप्लेन करना है, ठीक है? इस वजह से मैं आपको भाई को कह रहा हूँ कि आगे दो चार झलक हो रहेंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जब मैं बैठा हुआ था नेस्टिंग बॉक्स, तब ही आया था, और जो तुराब भैया ना वो गए हुए थे, जो सप्तैन भैया है वो अपने मतलब बैठे हुए थे जू के अंदर। तो भाई मैंने तुराब सप्तैन भैया के साथ बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा बातें की, ठीक है, दिल की। और ये देख लो भाई साहब, ठीक है, ये कौन बैठा हुआ है? मैं ही बैठा हुआ ना यार। तो हाँ जी यार, हो गया आपको यकीन? सारा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? ऐसे किसी को भाई ना टोका करो, मैं गया था, ठीक है? एक भाई का तो मुझे कमेंट आया, मुझे बोल रहा है यार किसी का थंबनेल करके इतनी जल्दी बंदा फेमस नहीं हो जाता, मतलब ऐसा कोई उन्होंने ना कमेंट में लिखा हुआ था। तो मुझे भाई, मैंने फिर उसको रिप्लाई में किया, व्लॉगिंग जो पहले वाला व्लॉग अपलोड किया ना उसी के अंदर होगा। मैंने कहा भाई वीडियो तो पूरी देख लो, तो जब उन्होंने वीडियो देखी उसके बाद भाई सॉरी बोल रहा। तो मैंने कोई नहीं यार, मैंने कहा लव यू यार, फिर भी लव यू, ठीक है? लोग भाई बातें नहीं सुनते, ठीक है, पहले ही पकड़ के वो करने लग जाते हैं, रौंदने लग जाते हैं पैरों के अंदर। अगर वो वीडियो देख लेता तो भाई शायद कोई अल्लाह मतलब उसका भला करे, मज़े का कोई कमेंट कर देता, कोई अच्छा मतलब कमेंट कर देता, तो मुझे भी खुशी मिलती। भाई उन्होंने पहले वीडियो देखी नहीं, थंबनेल देख के ही भाई कमेंट करने लग गए। ओ भाई साहब, तुम्हारी भी भाई आफरीन है। तो बाकी यार दिल से लव यू है। वीडियो कैसे लगे मुझे बताना। अब आपको यकीन, मैंने एक ट्रस्ट दिखाना था, ठीक है, वो आपको दिखा दिया है। तो यार मैं मतलब उनसे लेने नहीं गया था, मतलब स्पोर्ट वगैरह और भाई फोटोज वगैरह, मैं उनसे जस्ट मिलने गया था दिल के करीब। भाई मतलब इतने अच्छे दिल के, इतने अच्छे इंसान है, ठीक है भाई, उनसे मिल के ही इतनी दिल को खुशी मिल गई थी। तो मैंने भाई क्या फेम लेना था उनसे, क्या मतलब कैमरा पकड़ के बोलता यार मेरा भाई वो है, ये मैं इनसे मिलने आया, वो करने आया हूँ। तो यार मतलब मैंने आपको एक बताया था ना कि यही आपकी दुकान है, मैं आके भाई अपनी वीडियो बनाने लगी हूँ, तुम्हारी चीज़ें दिखाने लग जाऊँ। क्यों भाई, मैं को दिखाऊँ, मैं कौन हूँ? तुम्हारे से ज़्यादा लेके फिर ही वीडियोज़ बनाऊंगा। तो इस वजह से भाई दिल ही नहीं किया, ठीक है, सच बात बोलूँ तो। बाकी दिल से लगे बोली कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। कल भी एक व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, तो वो भी देखना, वो भी बड़ा मज़े का है।